Hello everyone, Pooja here from Easy Vastu. I'm a tarot card reader, numerologist, vastu consultant and an astrologer. And आज मैं ये वीडियो इंट्रोडक्शन शूट कर रही हूँ ऑन अ न्यू लोकेशन, दैट्स माई बालकनी, बिकॉज आई थॉट चलो कोई न्यू लोकेशन पर बैठ के मैं इंट्रोडक्शन बनाती हूँ. सो ये वीडियो है रिगार्डिंग आपका मंथली टैरो रीडिंग. जुलाई मंथ आपके लिए कैसा रहेगा फॉर ईच एंड एवरी ज़ोडियक साइन. आपको थंबनेल से आपकी राशि मिल जाएगी. हर बार की तरह मुझे बहुत लोग पूछते हैं कि आपके जो मंथली या वीकली टैरो रीडिंग होते हैं वो किस बेसिस पर होते हैं. तो मैं हमेशा कहती हूँ कि आप इसे किसी भी बेसिस पर देख सकते हैं, मून साइन, नाम की राशि से, लगन राशि से, ज़ोडियक साइन से, कैसे भी देख सकते हो. मैं पर्सनली इसे शूट करती हूँ ऑन द बेसिस ऑफ योर वेस्टर्न ज़ोडियक एस्ट्रोलॉजी, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ से आती है राशि, उस हिसाब से मैं इसको शूट करती हूँ. बट अगेन आप इसे किसी भी रूप से देख सकते हैं, बिकॉज टैरो रीडिंग में ऐसे कोई रूल्स नहीं होते हैं कि आप भाई चंद्र राशि से ही देखो, लगन राशि से देखो, ऐसा कुछ नहीं है. जो भी राशि से आप ज़्यादा अपने आप को कनेक्ट करते हो उसके अकॉर्डिंगली आप देख सकते हो. एंड ऑल्सो आप दो वीडियोस भी कंबाइन कर सकते हो. दो राशि आपको लगता है आप हो तो आप दो राशि के वीडियोस भी देख सकते हो. ओके, एंड उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूँ आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आ जाए. एंड उसी के साथ साथ सबसे ज़्यादा रील्स एंड टिप्स इंस्टाग्राम पर पोस्ट होते हैं, उसके बाद में यूट्यूब पर आ रहे हैं, तो आप मुझे डेफिनेटली फॉलो कर लो ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल दी लेटेस्ट अपडेट्स. विद दैट मैं ब्लॉग्स भी लिख रही हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे ब्लॉगिंग की डिटेल्स भी मिल जाएंगी ऑन न्यूमरोलॉजी, रिलेशनशिप्स एंड मैनी अदर ब्लॉग्स, तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा. सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स अवेलेबल है, वहाँ से आप इनो सारी लिंक्स आपको मिल जाएंगे. ठीक है, सो बाकी इसके बाद में आपका वीडियो स्टार्ट हो जाएगा. विशिंग यू ऑल द गुड लक एंड पॉजिटिविटी योर वे. मुझे नहीं पता आपकी रीडिंग में क्या आएगा, बिकॉज मैं रीडिंग यू नो शूट वन बाय वन करूँ, इतनी राशियाँ मुझे याद नहीं रहती हैं. बट दिल से आप सभी को ब्लेसिंग्स हैं, गुड लक है फॉर योर जुलाई मंथ आपके लिए अच्छा हो. जो भी हो, जैसा भी हो, स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक एंड ट्रस्ट गॉड, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. थैंक यू सो मच. हेलो स्कॉर्पियंस, देख लेते क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए फॉर द जुलाई मंथ. ओके स्कॉर्पियंस, सो देखो यहाँ पर जो आपके लिए नो जो पहले थ्री कार्ड्स हैं, ये कहीं ना कहीं मोस्टली आपके करियर एनर्जीज को इंडिकेट कर रहे हैं. एंड करियर वाइज बहुत अच्छा मंथ होता हुआ दिख रहा है गाइस. यहाँ पे देखो द मैजिशियन के कार्ड्स हैं, दिस शोज दैट यू नो समवेयर जुलाई मंथ में आपकी एनर्जी टू मैनिफेस्ट, या मैं कहूँगी आपका जो भी काम है, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, वो बहुत अच्छे से निभाओगे. बहुत अच्छा कॉन्सेंट्रेशन, डेडिकेशन रहेगा, चाहे एग्ज़ाम है, जॉब है, बिजनेस है, वॉट एवर इट इज़, आप जो भी कर रहे हो अपने करियर में बहुत अच्छा करोगे. अपनी पॉजिटिव थिंकिंग, मैनिफेस्टेशन ऑन गोइंग रखो, अच्छे से करोगे. जो भी आपके गोल्स हैं उस पर काम करते रहो. वेरी गुड एनर्जीज. मिड मंथ में आते आते कहीं ना कहीं आपके लिए टेन ऑफ कप्स के कार्ड है. अगेन दिस इंडिकेट्स, देखो फैमिली के साथ भी अच्छा वक्त बिता सकते हो, मनी वाइज भी काफ़ी अच्छा गुड लक आता हुआ दिख रहा है. सो ऑल ओवर. एंड उसके बाद में यहाँ पर कहानी रुकती नहीं है, एंड ऑफ द मंथ में आते थे तो व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड है. नाउ दिस इंडिकेट्स वेरी वेरी पॉजिटिविटी एंड गुड लक. देखो अगर आपको जॉब नहीं थी अभी तक, या जॉब में खुश नहीं थे ना, आप चेंज करना चाहते थे, जुलाई मंथ में आप वो अच्छा एक्सपीरियंस कर सकते हो. प्रमोशन के लिए उम्मीद कर रहे थे और ये मंथ में आपकी कंपनी प्रमोशन करने वाली है, देने वाली है, सो आपके बड़े हाई चांसेस है कि आपका काम बन सकता है. ऑल ओवर स्कॉर्पियंस, ये मंथ में आपके लिए करियर वाइज काम के हिसाब से बहुत अच्छी एनर्जीज़ दिख रही हैं, जो आपके काम बनाएंगे ना, अपना फ्लो में, रूटीन में अच्छा खासा चलता रहेगा. जिनका नॉर्मल एक यू नो रूटीन वाला जो काम है, जो भी है, करियर वाइज कोई टेंशन वाली बात मेरे को नहीं दिख रही. इट्स गोइंग टू बी ऑल स्मूथ एंड नाइस एंड गुड. ओके, आगे मैं अगर करियर लव एंगल में बात कर लेती हूँ या पर्सनल लाइफ की बात कर लेती हूँ, सो यहाँ पे यू नो द फोर ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं. ये फोर ऑफ कप्स के कार्ड कहते हैं कि स्टार्ट ऑफ द मंथ में थोड़ा सा आप लो या डल फील कर सकते हो, थोड़ा सा बोर्डम फील कर सकते हो,
अब बोलेगा पता नहीं लाइफ में कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ एक्साइटिंग नहीं लग रहा है, यू नो पता नहीं क्या करें, कहीं घूमने भी जाएं तो मन नहीं कर रहा, घर भी बैठे मन नहीं कर रहा, बात भी करने का मन नहीं कर रहा है। मे बी किसी पार्टनर या किसी फैमिली मेम्बर से अनबन हो सकती है, बट ऑल ओवर बस यू नो आप कैसे लो थोड़ा सा फील कर सकते हो। ये एनर्जी स्टार्ट ऑफ द मंथ में रहेंगी। एंड यहाँ पर मैं कहूँगी प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड ऑल्सो, जहाँ पर भी आप हो, जो भी हो, वहाँ पर ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस ज़रूर करें तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा। बट ऑल ओवर थोड़ा सा स्लो स्टार्ट ऑफ द मंथ आपको थोड़ा सा स्लो लग सकता है इमोशनली, ऐसा दिख रहा है। आगे जैसे हम बढ़ते हैं, यहाँ पे टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है मिड मंथ में। अब ये एनर्जीज कहीं ना कहीं दिखाती है कि देखो अपने इमोशंस को या अपने थॉट्स एंड इमोशंस को बैलेंस करना होगा, या हम कहते हैं ना नेगेटिव पॉजिटिव को बैलेंस करना होगा। या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करेंगे या तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, तो इन एनर्जीज़ को बैलेंस रख के चलना स्कॉर्पियंस, तो आपके लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। एंड रिश्तों को भी मे बी आप यू नो बहुत ज़्यादा जगलिंग भी कर रहे हो रिलेशनशिप में, समझ नहीं आ पा रहा, कभी बात होती है तो कभी एकदम से गायब हो जाते हैं, बात ही नहीं हो पाती है। रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो यहाँ पर ये दोनों स्टार्ट और मिड मंथ में इमोशनली बैलेंस रखना होगा, दैट इज़ सजेस्टेड। सिर्फ पेशेंस और बैलेंस इतना ही करना स्कॉर्पियंस, अपने आप में वो समय निकल भी जाएगा, संभाल भी लोगे, खुद को भी संभाल लोगे, सिचुएशन भी संभाल लोगे, और अवेयरनेस रहेगी कि भाई क्या है, क्या करना है, क्या हो रहा है। जब इंसान बड़ा इमोशनल हो जाता है, बड़ा गुस्से में आता है, तो उसको नहीं पता वो क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या करना चाहिए, सही गलत भी पता नहीं चलता है। इसीलिए सिर्फ इतना करना, पेशेंस रखना और यू नो बैलेंस रहना, दैट्स इट। एंड ऑफ द मंथ में आते आते इट इज़ अ ब्यूटिफुल कार्ड, द वर्ल्ड कार्ड। अब ये कार्ड क्या कहता है? ये कार्ड कहीं ना कहीं आपको कह रहा है दैट यू नो आपके जो भी इश्यूज़ थे जुलाई मंथ के एंड में आते आते कहीं ना कहीं आपको वो वापस से अपनी पावर कंटेंटमेंट। देखो मैं यहाँ पर ये नहीं कहूँगी कि अगर रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वो रिकनसाइल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं। मैं कहूँगी स्कॉर्पियंस आप जो भी नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे थे वो ठीक हो जाएंगे, आपका आत्मविश्वास वापस आ जाएगा, आपकी इनर पावर, इनर लव एंड गुड एनर्जीज आपके सराउंडिंग में फिर से आ जाएंगी। एंड यू विल ऑल्सो फील दैट यू नो कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, आप चेंज हो रहे हो, आपके रिलेशनशिप से यू नो काफ़ी ज़्यादा आप ग्रो भी कर रहे हो एंड आपको मेच्योर भी हो रहे हो एंड यू आर चेंजिंग फॉर द बेटर। ओके, अब डिपेंड्स, रिकन्सिलेशन होने के चांसेस हैं, बट मैं रिकन्सिलेशन में ज़्यादा फोकस नहीं कर रही हूँ, बिकॉज देखो सिचुएशन अपनी अपनी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको ये कह सकती हूँ कि सिचुएशन चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, चाहे वैसी ही रहे, जैसी भी रहे, आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभालना सीख जाओगे, बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल देखने का नज़रिया आ जाएगा और आपको एकदम क्लियर कट दिखेगा कि लाइफ में चाहते क्या हो, क्या मिल रहा है एंड आपको यू नो लाइफ में करना क्या है, पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर कैसा है वो लो फील कर रही है, यहाँ पर कोई कन्फ्यूज है, उथल पुथल में जो हो रहा है भाई हो रहा है, नहीं समझ आ रहा, तो वो सारी एनर्जीज ना बहुत अच्छे से क्लियर आउट हो जाएंगी आपकी। यहाँ पे एक और बहुत खूबसूरत कार्ड आपके लिए ना वाइल्ड शफलिंग अपने आप पॉप आउट हुआ था, दिस इज़ द कार्ड ऑफ थ्री ऑफ कप्स। गुड एनर्जीज, गुड इमोशंस, फैमिली फ्रेंड्स इन जनरल, कहीं घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, गेट टुगेदर हो सकता है, आपके यू नो किसी क्लोज वंस का कोई बर्थडे, इंगेजमेंट, सेलिब्रेशन भी हो सकती हैं, ये भी देखा जा रहा है इन जुलाई मंथ में। इफ़ सो देन एन्जॉय इट, इट इज़ अ गुड थिंग। सो ये एनर्जीज देखी जा रही हैं। आगे मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड भी देख लेती हूँ। सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट्स। जो भी आप कर्म कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप्स में है, चाहे वो आपके करियर में है, कार्ड्स कहीं ना कहीं आपको कह रहे हैं दैट यू नो कि आप कहीं ना कहीं उसको सरेंडर कर दो अटैचमेंट को, कि भाई क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, एंड जस्ट अपना एफर्ट डालो एंड देन जस्ट लेट इट गो, जो होगा देखा जाएगा, वो वाली वाइब आपको कह रहे हैं। सरेंडर टू साइलेंस, यहाँ पर अगेन ये मैसेजेस आ रहे हैं दैट यू नो कि थोड़ा सा जुलाई मंथ में कोशिश करना, मे बी ये जो स्टार्ट ऑफ द मंथ में जो पीरियड होगा ना, आप थोड़ा सा अकेले बैठोगे, लो फील करोगे, तो ये साइलेंस वाला वाइब आपका स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ पर आपको लगेगा कि आपको थोड़ा सा अपने साथ वक्त गुजारना है, एनालिसिस करना है, कोई भी सिचुएशन है उसमें ना आप थोड़ा सा कहते हैं ना शांति, उस शांति चाहिए, वो शांति चाहिए वाला डिज़ायर जो होगा आपका स्टार्ट ऑफ द मंथ में ही होगा।
आगे अगर मैं बात कर लेती हूँ तो प्रोकास्टिनेशन, यहाँ पर जैसे ही आपका मन शुरू होगा, थोड़ा सा आप लो फील करोगे, डाउन फील करोगे, देन अगेन बैक टू आपके एनर्जी उठ जाएगी, जैसे कि द मैजिशियन है, टेन ऑफ कप्स है, देन काम में बड़ा अच्छा करोगे। देखो वर्क लाइफ में कोई भी टाइप का प्रोकास्टिनेशन स्टार्टिंग में रहेगा, उसके बाद में हट जाएगा, बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं विल पावर एनर्जीज आ जाएंगी। बट वैसे भी इस एडवाइस भी करूँगी स्कॉर्पियंस, अगर आप थोड़े महीनों से कुछ टाइम से बहुत चीज़ों को प्रोकास्टिनेट कर रहे थे, कुछ करने का मन कर रहा है लेकिन रुक रहे थे, समझ नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे कार्ड इसीलिए आपको कह रहे हैं दैट सरेंडर टू प्रोकास्टिनेशन एंड जो काम है भाई उसको तब का तब कर देना, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशंस आपके लिए आ रहे हैं। सो आई होप स्कॉर्पियंस आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। इफ सो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।